आशा करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड का अपनी पढ़ाई के प्रति पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं और पूरे मन लगाकर पढ़ रहे हैं और भविष्य के लिए काफ़ी अच्छे रूप से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उस तैयारी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक को लेते हैं। आज हम बिजनेस स्टडी में ही हैं और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम लगभग लगभग पूरा सारा काम जो चैप्टर फर्स्ट का है वो हो चुका है, सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं। तो आज हम उन दो टॉपिक को लेंगे। वो दो टॉपिक हैं कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, और वैसे भी मैनेजमेंट को अगर हमें पढ़ना है तो कोऑर्डिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे मेरे और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे बीच में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन। तो आज सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे वो कोऑर्डिनेशन ही करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग पर चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब की जो एक्टिविटीज हैं उनको एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में जोड़ता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसी ताकत है जो जितने फंक्शंस हैं, अभी हम पढ़ेंगे पांच फंक्शन है मैनेजमेंट में, तो उन पांचों फंक्शंस को एक दूसरे से बांधती है, जोड़ती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा धागा है कोऑर्डिनेशन, जो जितनी भी एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उनको एक दूसरे में जोड़ते हैं, एक माला के रूप में पिरोता है उन एक्टिविटीज को। अब चाहे वो परचेज की हो, प्रोडक्शन की हो, सेल्स की हो, फाइनेंस की हो, इन सबको एक दूसरे से बांधना, एक माला के रूप में काम करना, ये काम कोऑर्डिनेशन का होता है, सो दैट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली चलती रहे। नेक्स्ट आया कि कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग से नहीं लाना, मतलब कि समन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर पड़ी हुई है और मैं उसको उठाकर बीच में डाल दूं, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ हमें उसे मतलब कि उसको जीवित करना है, उसको प्रॉपर वे में एक दूसरे से जोड़ना है। तो कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है, वो पहले से हर फंक्शन के अंदर मौजूद होता है, बस हमें उसका बेटर यूटिलाइजेशन करना है, उनको एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सके। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट की। बिना कोऑर्डिनेशन लाए आप कितनी ही अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना ही अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग उसके अकॉर्डिंग ले आओ, उनको डायरेक्शन भी दे दो, कंट्रोलिंग करने की भी बेसिक कोशिश कर लो, सारे फंक्शन पूरे कर लो ऑर्गेनाइजेशन के, बट जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उनके बीच में तालमेल नहीं होगा, हम कितना ही अच्छा काम कर ले वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे सकता। हार्मनी लाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और संगठन के गोल को अचीव करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट, ये देखो सब कंसेप्ट चल रहा है अभी। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट के साथ साथ ये आपके फीचर्स भी हो रहे हैं एक तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन और एफर्ट ऑफ द वेरियस यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऊपर वाला ये लगभग तो वो सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है कोऑर्डिनेशन। जितनी भी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक दूसरे से बांधने, एक दूसरे से जोड़ने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। दस इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट ए मैनेजर एंश्योर द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस के थ्रू ही
मैनेजर जो है इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के एफर्ट को एक जगह जोड़ता है, यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है। एक्शन का मतलब एक दिशा में जाना, तो सबको एक दिशा दिखाने का काम मैनेजर कोऑर्डिनेशन के थ्रू करता है, सो दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके। तो ये एक कंसेप्ट था जो आपको बताया। अब हम कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। वहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी जो चीजें अभी हमने पढ़ी। पहली आई कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, हमने पढ़ा था सिंक्रोनाइज कर रहा है। इंटीग्रेट का मतलब एकीकृत करना होता है, तो ग्रुप के एफर्ट को, ग्रुप जो काम कर रहा है उसको एक जगह जोड़ने का काम कोऑर्डिनेशन का है। तो कोऑर्डिनेशन यूनिफाई अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। इट गिव ए कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। जो हमने सोचा है उसको पूरा करने का काम हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू करते हैं। हर एक का अलग अलग स्टेटस है, हर एक का अलग अलग काम है और हर एक अपने काम में स्पेशलिस्ट है। बस हमें उनको एक दूसरे से जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। तो वो काम कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैनेजर करते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। हमने देखा कि एक दिशा दिखाता है कोऑर्डिनेशन, तो डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स पोस्ट पर काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, पर सबका उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब जैसे गोल है 10% सेल बढ़ाना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन इसलिए कर रहा है कि हम 10% सेल को बढ़ा सके। सेल्स डिपार्टमेंट सेल इसलिए कर रहा है कि वो 10% सेल बढ़ सके। मार्केटिंग डिपार्टमेंट पैसे इसलिए दे रहा है कि 10% सेल बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो हर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे दे रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट की नॉलेज को कस्टमर तक पहुंचा रहा है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा गलत हो गया था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम था। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है पैसे इसलिए प्रोवाइड करता है, फाइनेंस इसलिए प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल में जो 10% सेल बढ़ाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो अवेलेबिलिटी काम हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, कैसे मैं अपने एरिया को बढ़ाऊं, कैसे मैं कस्टमर को जोड़ू सो दैट 10% सेल बढ़ सके। तो देखो सब अपने अपने काम कर रहे हैं पर सबका उद्देश्य क्या है? 10% सेल को बढ़ाना। तो किसके थ्रू हो रहा है? जब मैनेजर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर पा रहा है, एक दूसरे से जोड़ पा रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि सेल्स डिपार्टमेंट कितना बेच चुका है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कर रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या सेल्स डिपार्टमेंट को कितने फाइनेंस की आवश्यकता है। तो जब सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आया कि कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कभी नहीं रुकती। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी हमें पड़ती रहेगी। तो कोऑर्डिनेशन कोई वन टाइम फंक्शन नहीं है, वन टाइम फंक्शन नहीं है, एक बार किया फिर जरूरत नहीं है। जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन को चलाते रहेंगे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती रहेगी। तो जैसे जैसे हम प्लानिंग शुरू करेंगे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती रहेगी, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में, फिर स्टाफिंग में, फिर डायरेक्टिंग में, फिर कंट्रोलिंग में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर लेवल पर, हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, वर्क फोर्स हो, जहां मर्जी हो, ड्यू टू द इंटर डिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए उनके बीच में समन्वय तो स्थापित करना ही पड़ेगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हर जगह पर मौजूद है। नेक्स्ट, फिफ्थ आती है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कौन लाएगा इस कोऑर्डिनेशन को? उसके लिए मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन लाने का जिम्मा किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट, मैनेजर की। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हैज टू मेंटेन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सब लेवल पर चाहिए। कौन लाएगा? मैनेजर लाएगा। मैनेजर देखेगा
ये सब लेवल एक दूसरे से कैसे अच्छी तरह से जुड़े रहे, इनके बीच में तालमेल बना रहे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते रहे। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब जान पूछ के, मैं अपने आप नहीं आ सकता, ये कोऑर्डिनेशन खुद नहीं आएगा, इसको मैनेजर को लाना पड़ेगा। मैनेजर को इनिशिएटिव लेकर देखना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज़ की कमी है जिससे ये तालमेल थोड़ा गड़बड़ा रहा है। उस तालमेल को सही करने का काम जो है वो मैनेजर का है, तो मैनेजर डेलिबरेटली कोऑर्डिनेशन लाता है। तो मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर, इवन वेयर मेंबर ऑफ ए डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क कोऑर्डिनेशन गिव ए डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। अगर लोग अपने आप भी काम कर रहे हैं तो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ठीक है, जिससे वो उस विलिंग स्पिरिट के साथ काम करते रहें। तो ये मैनेजर खुद लाते हैं, आया नहीं जाता, मतलब हमें कोई अपने आप नहीं जोड़ देगा, क्योंकि हम सबकी अपने स्टेटस हैं, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, तो हमें एक जगह लाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। जो व्यक्ति कौन होता है? मैनेजर। तो मैनेजर डेलिबरेटली कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। देखो, अगर एब्सेंस हो जाए, मतलब कोऑर्डिनेशन ना हो, तो क्या होगा? ये पिक्चर आपको ये बता देगी कि अगर कहीं पर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या काम होगा। सेल्स डिपार्टमेंट अलग राग दिखा रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है, ये मांग रहा है स्टॉक, इसके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, रिपोर्ट जो है पुअर होती जा रही है, अकाउंट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कितने पैसे की जरूरत है, स्टोर जो है स्टोर बता रहा है कि स्टॉक फुल है, ये कह रहा है कि स्टॉक नहीं है, ठीक है, शिपिंग वाले को पता ही नहीं है कि कहाँ किसको भेजना है, रिसेप्शन वाला अपने ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है, तो किसी को कुछ नहीं पता, सब बस अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली हम एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी स्थिति होगी। तो इसलिए इन सब लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और वो कौन करता है? मैनेजर करता है। तो इससे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सीखी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन के टॉपिक पर चलते हैं, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है? कुछ देखा अभी हमने, जब एब्सेंस में देखा तो उन्हीं को पॉइंट के रूप में समझते हैं। अगर हम जितना अपने व्यवसाय को फैलाते चले जाएंगे, बड़ा करते चले जाएंगे, उतना ही हमें कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत होगी। जितना छोटा स्टाफ होगा, कोऑर्डिनेशन तो वहां भी चाहिएगा, पर वो उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ाता हूँ, मुझे कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ गए हैं तो उनके बीच में तालमेल बैठाना पड़ता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, जैसे वो बढ़ती है, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज, वो बढ़ेंगे ऑब्वियसली। एट टाइम इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट एंड एक्टिविटी, तो अपने आप नहीं आएगा, वो हमने पढ़ा था, चाहे कितने ही विलिंगली हो। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वेस्टेज को कम करना, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो उनके जो अपने गोल हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, किसके थ्रू? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो साइज बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन की उतनी ही ज़्यादा जरूरत। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देख रहा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट को देख रहा है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देख रहा है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहा है, सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने इनोवेशन से, अपने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने अपने स्टाइल से काम करते हैं, सबके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, जो और जो एक अहम को भी बढ़ावा देती है, एक ईगो प्रॉब्लम भी आती है, तो कन्फ्लिक्शन ना आए उसके लिए कोऑर्डिनेशन लाना जरूरी होता है फंक्शन के बीच में। वो कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। तो वो लिंक करना, ये उन सब की कन्फ्लिक्ट, उनके हित हैं,
या उनका जो स्टेटस है वो एक दूसरे से टकराए ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन वो ऊपर बता ही रहा था मैं कि लोग अलग अलग स्किल के उस कंपनी में काम करते हैं, तो सबका अपना अपना टास्क होता है, सब अपने टास्क में परफेक्ट होते हैं। जब मैं परफेक्ट होता हूं तो मैं दूसरी की बात को आसानी से नहीं मानता, तो उसको ना मानने की कंडीशन में ही मैनेजर का रोल होता है कि उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं पर आपका काम जब तक बेकार है जब तक आप उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। तो स्पेशलाइजेशन होने की वजह से मॉडर्न एरिया में स्पेशलिस्ट लोग हैं, हर छोटे काम के लिए एक स्पेशलिस्ट लोग हैं, और सारे स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका अपना तरीका होता है किसी भी काम को पूरा करने का। वो दूसरे की बात को सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं मैं तो अपने काम में परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन गोल को अगर अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन टू रिकॉन्साइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच इंटरेस्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो जो वो अलग अलग उनकी अप्रोच है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनके सोचने का तरीका है अलग है, उनको एक दूसरे से जोड़ना है, एक दिशा दिखानी है सबको, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। तो ये इंपॉर्टेंस थी, अगर साइज बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरी है, अलग अलग कामों पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है तो उसकी वजह से भी जरूरी है, स्पेशलाइजेशन है और उसकी वजह से सब अपने काम को अपने परफेक्ट वे में करना जानते हैं, पर एक काम परफेक्ट वे में खत्म हो जाए और वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना हो तो भी वो काम सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के? तो पहला फंक्शन आप लोगों को वैसे पता ही है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के 5 फंक्शन हैं जो अलग अलग रिसोर्सेज को, अलग अलग गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। पहला प्लानिंग है, तो प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाएगी, प्लान डिसाइड होंगे, तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा और कैसे करना है और क्या करना है, ये देखना प्लानिंग का काम है। ऑर्गेनाइजिंग आया, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क, स्टेबलिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्लान। इनका काम ये काम होता है, ड्यूटी देना, ग्रुप टास्क बनाना, उनको अथॉरिटी देना, उनको काम देना, ठीक है, जिससे एक स्पेसिफिक प्लान के रूप में काम पूरा हो सके। फिर आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग में स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना ही स्टाफिंग कहलाता है। दिस इज आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, क्योंकि यहाँ लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनको उनको एक स्पेशलिस्ट बनाना, ट्रेनिंग देना, ये काम स्टाफिंग का होता है। तो इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग, ये काम स्टाफिंग में मिलते हैं। फिर डायरेक्टिंग आता है, जिन लोगों को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया अब उनको काम दिया जाएगा, तो डायरेक्टिंग का मतलब उनको डायरेक्शन देना कि आपको कैसे काम करना है, उनको मोटिवेट करना सो दैट वो डिजायर्ड जो टास्क उनको दिया है वो उसको कंप्लीट कर सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग, लीडिंग उसमें आती है, लीडर मतलब कि इन्फ्लुएंसिंग आता है, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना सो दैट वो जो टास्क उनको दिया है वो उसको कर सके। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर 2 की कॉम्पोनेंट ऑफ डायरेक्शन, ये 2 बहुत अहम कॉम्पोनेंट हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट पर पहुँचते हैं कंट्रोलिंग, जब डायरेक्शन भी दे दी तो अब देखना है कि वो लोग उस प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि ये हमें करना है, और अगर कहीं वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को दूर करना काम कंट्रोलिंग का होता है। तो कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए मॉनिटरिंग करना कि जो प्लानिंग में सोचा था क्या वो हो पा रहा है, ये काम होता है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जितने टॉपिक थे वो हमने इस वीडियो के साथ ही पूरे कर लिए हैं।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, आप मेरे चैनल होकर प्रेजेंटेशन पर आप उनको वहाँ जाकर देख सकते हैं, और आगे भविष्य में भी हमारी वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुँच जाए। आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।